जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। परी भाई पहाड़ी ब्लॉग में स्वागत अभिनंदन। अतुल्य देवगुम की शिव सौली जखम बिचा स्वस्थ मस्त रहा कुटुम्बर की परिवार के साथ हंसदीरा हसंदिरा। तो ये खूबसूरत डांडी कंटों का सफर माँ आज आप तले जाना थोड़ा आउट बटे दिखना भूले की नगरी जय महाकाल के दर्शन आप लोग तो करल। तो इंतजार करा आज की जर्नी हुनुल जी बहुत ही बढ़िया। एकदम देखा आप लोग देखा जन अंकल जी देखा एकदम शिव जी का मंदिर में देखा वो चढ़ाना थी पानी आप लोग भी चढ़ा देखा। जय शिव शंकर भोलेनाथ जला अभिषेक का देखा यू क्षेत्र से थे आप लोग आए सकते हैं बढ़िया भव्य मंदिर। ये भूले मिल गया था आपको शुभ स्थान। नमस्कार, अच्छा गाँव का नाम, नाम अच्छा अच्छा आपको अच्छा लग रहा होगा मंदिर में। अच्छा अच्छा तो माँ देव की कृपा देखो सभी भक्तों में पड़ी रही और आप लोग देखो सब भक्तगण दिखाए। नमस्कार साहु जी कक चाबो सुबस्तान जरा बोले नाइक में बड़े बोले बोले। अच्छा और मंदिर का दर्शन। अच्छा फर्स्ट टाइम आना था कि आने लगे हैं आप एक मतलब। अच्छा तो आप वो तो लोकली मंदिर चा लोकली मंदिर। अच्छा नाम बता दिए थोड़ा आप। सुरेश चंद्र बर्थवाल जी, सुरेश चंद्र बर्थवाल जी छिन्न और बड़ा देखा बर्थवाल जी देखा का देखा बेन पुजारी छिन्न मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना बड़ा आयोजन आपने लगा रखा है। जय भोलेनाथ। देखो यहाँ पे दो हमारी यज्ञ हवन बनी चिंते उस माता सती को दिखाई स्थान से। देखो जय हो देवली शर्मा देव। एक दो तीन चार पाँच चार ध्यान लगे देखा ये हवन कुंड चिंते का माता सती तो आशीर्वाद अम्मा बने दो देवली शर्मा देव मैंने बड़ा घूमे आले और काफ़ी भीड़ी घूमी और प्रोग्राम तो ना चिन्ह मैं आपसे दिखा लो अभी। आप कहाँ से हो? ल्वाली गाँव। अच्छा तो कैसे लग रहा है देवली शर्मा देव में आपको? अच्छा और छोटू बोला वे नो क्या आज बोला कक बटे आप। अच्छा डोबाल जी उन गांव का चापो हाँ बने थे बने सिरकोट बड़े छिन्न। डोबाल जी कैसे लग रहा आपको मंदिर में आके? बड़ा चलो तो देवलेश्वर महादेव की जय हो जी। हमारे छिन्न ग्राम सभा नंदकोट शुभ नाम बते दिए भाई जी। नाम मेरे चलता सिंह जी। अच्छा हमारे देवलेश्वर महादेव हमारी ध्वजा है हमारी। अच्छा मंदिर चमर ध्वजा है हमारी। अच्छा महादेव की नगरी में आप लोग और बड़ो अच्छो आशीर्वाद आप ले लो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप शुभ नाम भाई जी देवेंद्र। अच्छा तो आपका बड़ा है अच्छा जी ननकोट गांव बटे चिन्ह जी देखा देवलेश्वर महादेव का जस्ट दो तीन किलोमीटर अगने चा और भैया आप रात घर था कि बैरी घर था कि बैठ रहा। अच्छा चंडीगढ़ आया था आप लोग कैसे सेक्टर है? पंचकोला ने देखा भैया आशीर्वाद ले जाना खुड़ा यहाँ मंदिर में। अच्छा मतलब हमारा गौरव नो हमते बताया कि इतना बड़ो गांव बटी हमारा झंडा जानो झंडा जानो सबसे बड़ी बात बड़ो देखा सौभाग्य जो भैया को और अयो को जी को मुझे झंडा है छो मंदिर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने धन्यवाद चनो चु बाय बाय सब लोग देखे सब लोग। ये देख चश्मा पैर इन भुला ले बड़ो देखा सजू धजू चु मंदिर में आई भुला देख घूमने को चुंग देखा एकदम गेम को आए जन बीच और देखो हम तो दीदी लोग मिल गए। दीदी आप शुभ गस्तान आप गाँव लोगोड़ा गाँव को चिंते का हमारे जगह हास्य कलाकार घननंद जी सिंह का भी होंगे गाँव बटा भी आप ब्लॉगिंग वाली तो कल लगन आपते देवलेश्वर माँ दे माइकम बच्चों को प्रोग्राम चाहो। अच्छा अच्छा नाम बता दिए थोड़ा। अच्छा आप गोगोड़ा बटे आप भी? अच्छा और आप? अच्छा बच्चों को प्रोग्राम बोल लो हुईकुम चलो बहुत बहुत धन्यवाद जय देवलेश्वर महादेव की बढ़िया देखा गेम चैनल। हाँ जी हाँ यूट्यूब चैनल से हैं और बड़ा देखा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे बच्चों का आप शुभ नाम बताइए जरा।
बताओ बताओ किशन का ब्याह है। अच्छा आप यूट्यूब पे? हाँ जी हाँ जी। किस नाम से? बड़ा लड़का परी भाई पहाड़ी ब्लॉक। कहाँ से हो? हम लोली से सर। अच्छा लोली से। आपके गेम है यहाँ पे? अच्छा आप शर्मा रहे हो। बोलो बोलो अपना नाम बता दो। धन्यवाद। एक बच्चा हम तभी मन के सचा। आपका शुभ नाम? अच्छा कहाँ से हो आप? पौड़ी गाँव से। अच्छा पौड़ी गाँव से। आप अभी घूमने आ रखे हो? हाँ ये मेरा गाँव है। अच्छा गाँव है। अच्छा पौड़ी रहते हो आप? अच्छा अच्छा कैसे लग रहा मंदिर में इतनी भीड़ है? अच्छा लग रहा होगा आपको? दोस्त लोग मिले होंगे? अच्छा इस बार काफी दोस्त मिले। अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं आपके लिए। आप और शुभ नाम बोला? दिव्यांग सिंह। अच्छा आपका गांव? हमारा गांव है पौड़ी। अच्छा अच्छा तो कैसे लग रहा है यहाँ भीड़ में? पौड़ी से हम पैदल आए। अच्छा भगवान की भक्ति में इतना पैदल आए आप हैं? हाँ। चलो और बहुत सारे दोस्त आए हम। अच्छा चार पांच। अच्छा और वापस अच्छा। जा रहे हैं 1 बजे जाएंगे। चलो धन्यवाद। तो कितने बच्चे मन के सच्चे यार गेम हूँ चिकम सब लोग देखा बढ़िया सब लोग यहाँ पे देखो ऐ देखो सब बच्चा बड़ा लगे यहाँ से वो अभी एकदम खेल से। हाय हेलो वेलकम। देखो बच्चे मन के सच्चे। अरे देखो हमारा युवा यज्ञ अनुष्ठान अगर आप कैल कन होते हम आप लोग अपना परिवार देखना है सकता है यज्ञ अनुष्ठान के देखा एकदम पूरा जो दिखना होगा जनरा अभी प्रदीप सजौन जिला आपने बताई कि पूरा देखा एकदम यो यज्ञ हवन बनी हुई आप लोग ऐसे करता परिवार लिखना एकदम अनुष्ठान कह सकते। बगल गोमड़ा देखा ग्राम सभा मल्ली कांडा का देखा हमारा सब्सक्राइब है छिन लगातार निरंतर पति भाई पहाड़ी ब्लॉग देखते आज मंदिर में दर्शन करने छिन एकदम देखा सब लोग घूमना चुनू देखा देवलेश्वर महादेव का आशीर्वाद जला। जय देवलेश्वर महादेव। जय थैंक यू। हाँ जी थोड़ा अच्छी देखा सब लोग यहाँ से देखो दर्शन वहाँ और मिल लगवार मिल आप घूमे यानी थोड़ा ही ना पड़ा देखो पिछले साइड में बहुत बड़ी बात है 107 वर्ष पुरान देखा पीपल वृक्ष। जय हो जय शिव शंकर भोलेनाथ पीपल अड्डा देखा भगवान विराजमान लोग देखे हम देवलेश्वर महादेव में ऐसा तो इतना बड़ो देखा 507 साल पुराना देखा यू हमारो वृक्ष आई पिछले बड़ा दिखाने तो मंदिरों को देखा हिस्सा। जय हो। अरे है देवलेश्वर महादेव धाम का मंदिर का देखा यू भैरवनाथ मंदिर भी देखे हम स्थापित। जय शनिदेव। तो शनिदेव की कृपा में बनी रहो और न्याय के देवता शनिदेव का दर्शन आप लोग करा देवलेश्वर महादेव बटे। जय हो। क्या बढ़िया देखा सजू यू मंदिर देवलेश्वर महादेव माँ दगड़ी देखा शनि को मंदिर भी देखा कि बन गया ओम शनिचराय नमः। देवलेश्वर महादेव शनिदेव। ये भगत कुटिया है देखो तो भगत कुटे में देखा आप लोग दिखना बोला 3 जून 2015 बेटा की देवलेश्वर महादेव समर्पित हो गई थी। जय भैरवनाथ की देखा दान पात्र ये जो भैरवनाथ का मंदिर तो जय माता रानी का दगड़ दगड़ माता का भैरवनाथ बिजने कालनाथ भैरव। जय हो। जय भैरवनाथ को मंदिर देखा देखा नंदी का विराजमान आपके बड़े देखा अभी डेकोरेशन चलो जो। जय हो। सुंदर भव्य मंदिर। अरे देखा नंदी वाटिका आप लोग देखा देवलेश्वर महादेव गगोर सिंह घाटी बेटा की देखा नंदी वाटिका आप लोग देखा कत नंदी हम विराजमान हुआ जिन शानदार। ये देखा ये चंदे का शिला बनी उजियाड़ी और ननकोट। अरे देखा पूर्व देखा पौड़ी बटे मात्र 12 किलोमीटर दूर देवलेश्वर महादेव को देखा एकदम ये जो भोजनालय चिक पिछने ये देखा देवलेश्वर महादेव पिछने दिखाने तो इन्हें देखा पूर्व
भैरवनाथ की मूर्ति ची वाली दर्शन करी ना आप लोगों में थोड़ा सी अग्नि बटा घूमे दिन आयोज देवलेश्वर महादेव देगा। जय हो जय हो। ये जो वाटिका जो मिल दिखा अभी नंदी वाटिका क्या बड़े दिखा सजय 2023 में देखा ये काम हुई ये देखो नंदी विराजमान अयोध्या देखा सूरज गिरी की देखा यू ये देखो जबरदस्ती सिलाई छिन बनी। जय हो देखा पुरु एकदम पुरु पंडाल जो देखा हम पुरु जब हम पुरु भंडारा बना देखा यू देखो ये मेरे पिछले बड़ा देखो मंदिर घुमा तुम जय हो परिक्रमा भी जाली पूरा गांठ लगा जय बस देखो क्या कटा पत्थर देखो ये मंदिर बने जय हो देवलेश्वर महादेव मंदिर देखो भव्य थोड़ा सी सांस्कृतिक संध्या मौजूद प्रोग्राम उन्होंच में आपसे दिखा दो और मैं मंदिर में घुमाया तो जय देवलेश्वर महादेव की सभी भक्तों में कृपा रहो और ये देखो मंदिर जय हो। अरे वो जो मेन गर्भगृह देवलेश्वर महादेव की पूर्व प्रांगण में घुमाया देखा जय हो। मैं निकल थोड़ा सा क्या आप लोग दान करें हम देखा बड़ो एक जो दान हो दान गुप्त होंदो दिखाने को पर मैं दिखा आप लोग बढ़ चढ़ कैसे करें देवलेश्वर महादेव में देखा सब भक्त गणा है कुछ ना कुछ देखे हम दान पुण्य करना जिन आप लोग करें सांस की संध्या संतान प्राप्ति की मांग कर जहां पर ऐसी माताओं बहनों की मनोकामना पूर्ण होती आई है कालांतर से इस स्थान पर बहने खरीदी का यज्ञ करती आई। ये बढ़िया देखो हमारे भाई यार नमस्कार देखो हमारे सब्सक्राइब लिव पहुंच गए देखा प्रणाम देखो सबका मनोरंजन करने वाले देवलेश्वर शर्मा अतिथि हैं हमारे देखिए नेता भी आते हैं अभिनेता भी आते हैं लेकिन अपार जनसंख्या देखा देवलेश्वर शर्मा वो बहुत बड़ी चीज है बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हैं बहुत बड़ी मेहनत हुई है आज यहाँ पर खड़े हैं जिनके ऊपर हम भी खड़े हैं वो लोग भी बैठे हैं किसने बनाया बताओ तो और नामांकन करता हूँ जो उन लोगों ने तो समस्त चीफ गेस्ट बैठे हैं जिन्होंने देखा देवलेश्वर महादेव का जो सचिव छिन देखा सब लोगों दर्शन में आया देखा चलिए बहुत जल्द हम मंच पर आमंत्रित करते हैं
लोक गायक किशन महिपाल जी 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 हमारे किशन महिपाल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो ओर से और गगवा शिव घाटी के हर व्यक्ति की ओर से हर माता बहन हर छोटे बच्चे की ओर से आपका मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ मेरा निवेदन है अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया जल्द से जल्द मंच पर आप पधारने का प्रांगण में आप सभी लोगों को नमस्कार। आपका ये घाटी में आज पहली बार मेरे दौर छो, ये 23 साल संगीत का जो सफर छो वे माँ आज का दिन भगवान दिवलेश्वर महादेव का नौ पर मुख्य दरबार में हाजिरी और आप सब लोगों का साथ। भगवान दिवलेश्वर महादेव एक कृपा रहे वाली कि आज ठेठ बद्रीनाथ मेरे गांव से माणा गांव वगबटी मैं आज महादेव का स्थान पर आयो हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपन अपना स्थान पर मैं तो बुलाई की नियुक्त आई और ये मंच का माध्यम से इतना बड़ा सम्मान बनी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई जी तपेश्वर भाई जी पौड़ी का बहुत अच्छा आप ढोलक वादक छे बहुत बढ़िया आप लोगों का भगवान दिवलेश्वर महादेवन बहुत कुछ कर सकती कोई फोटोग्राफर से कोई जब गायिका बन सकती फोटोग्राफर बन सकती बल्कि किलेनी बजा सकती भाई तो यह कोई काम नहीं कि जो लड़की नहीं कर सकती। बहुत आशीर्वाद हो भगवान महादेव को। तो मैं फिर से ये मंच का माध्यम से हमारा उद्घोषक जी बर्थवाल जी हमारे पुजारी जी व्यास जी मैं सभी गीत बहुत सुने वाला अपन लोगों ने किंगारी का झाला घुघुती पंगारी का डाला घुघुती ठोलड़िया धीवा सुधा भू युति ने नामे गोविंद दाहो दरमा दिवेती चितना लगे चित तेरी शरण मे नाथ नारायण वासुदेवा लोरी सुनंदी हरे की हाथ में बांसुरी तेरी आशीर्वाद रहे और आप सदने नेगी जी का साथ मां और मैं आज सभी लोगों का सामने पर आज जो टोपलू पहन रहे नेगी जी टोपलू से नेगी जी प्रधान दिन में आशीर्वाद मुझे मैं था तो नेगी जी भी आप ही का गढ़ का चेंज आप ही का मुल्क का चेंज उनको आशीर्वाद हम जना छोटे छोटे गायक और हम चितेरा मैं मंदिर भी साथ
तो जो लोग बैकुंठ धाम बदला Yeah.
धन्यवाद भाई साहब के लिए, थैंक यू। कन लगे आप दे गानो बहुत बढ़िया, जरा एक ताली हो जाए आप जरा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोगों के लिए, थैंक यू। के नाम से भी जाना जाता है और मेरठ से बहुत ही दिव्य बहुत ही खास व्यक्ति का यहाँ पर हम सबके मध्य है। पहुंचे हैं, मेरा निवेदन रहेगा हरि सिंह राणा जी से, कृपया आप शॉल भेंटकर इस समिति की ओर से पूरी गगवाड़ घाटी से घाटी की ओर से उनका अभिनंदन और स्वागत करने का कष्ट करेंगे। और साथ ही साथ निवेदन रहेगा इस समिति की ओर से, इस भूमि की ओर से, इस वर्ष बहुत अच्छा लगा, 7 साल बाद जब बहुत सारे गांव की माताएं इस मंदिर में मेले की तैयारियों में अपने योगदान के लिए यहां पर आई, तो मैं आपको सच कह रहा हूं हमने इस मेले का नाम ही बदल दिया। अभी तक हम इसे केवल वैकुंठ चतुर्दशी मेला कहते थे, अब हम इसे वैकुंठ चतुर्दशी जन मेला के नाम से पुकारेंगे अगली बार, क्योंकि अब यह जनता का मेला हो चुका है, पूरी गढ़वाड़ घाटी का मेला हो चुका है। अब तक केवल यह समिति का मेला था, लेकिन 8वां मेला अपने आप में ऐतिहासिक है। और मैं एक दो घोषणाएं और करना चाहता हूं, यहां पर जब पहला दिन था तो हमने अपने शिव ध्वजा का रंग बदला है, आप लेके आएगा। मैंने कल कहा था कि 26 को हमने ये घोषणा करनी है कि अगली ध्वजा शिव ध्वजा 9वें वर्ष की जो शिव ध्वजा 2024 की आएगी वो किस गांव से आएगी, उसके लिए अभी तक हम मांग कर रहे हैं। अगर आज भी यहाँ पर कोई गांव चाहता है कि शिव ध्वजा लेके आए तो यहाँ पर कह सकता है। बाय बाय, फिर हम 26 तारीख को बात करेंगे। मुझे लगता है छपरियाल गांव के प्रधान जी ऑनलाइन पेमेंट भी आप लोग कर सकते हैं, भेजे आप सुबस्थान अच्छा भेज देगा लोकल ही बड़ा चंद देखा छोला और आप जो भी देखा ब्रेड पकौड़ा वगैरह ले लो और सब कुछ देगा उजाड़ी बटा की स्टॉल लगे तो आप लोग अपना ये मेला माँ जो ऐतिहासिक मेला गगोड़ सिंह घाटी बटा में हम निकलो जाओ और आप लोग एक मावा और देखा एकदम छोला और ब्रेड पकौड़ा चाउमिन देखा जन दीदी लोग खाने जिन कन बनी जो उजाड़ी बोलो चाउमिन कन लगनी आप दे फर्स्ट क्लास अच्छा एक ही कप खाया भी खूब लगनी कक्ष बोटी कहूँ थपले लगाऊँ बोटी देखा है ठीक हूँ फर्स्ट क्लास चाउमिन खाना चाहिए मेरे लोग को आना लेना चाहिए। आप सबकी तालियों के साथ उनका अभिनंदन करता हूँ। ननकोट गांव से श्रीमान विक्रम सिंह रावत जी का आप संगीत क्षेत्र के बीच में पिता मैं हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी से लेकर जितने भी बड़े बड़े गायक हैं सब एकम बटा की कक्का बड़े जहाँ भाई जी थोड़ा सा अपना नाम ले लिया अच्छा लोकली गाँव चा अच्छा अच्छा गगवाड़ सिंह घाटी को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना बड़ा प्रोग्राम आप करें चुके थैंक यू। दुकान भरी जिन बढ़िया डालना भाई जी अरे सब लोग देखा एकदम पूरी भीड़ मची देखा लोकल दुकानदार पूरा अच्छे देखे एकदम सहयोग सबको हमारे भाई साहब शुभ नाम आप कटे नाम ताऊ जी कटे छा उजाड़ी बटे छिंदे का अच्छा आप नाम बताओ उजाड़ी बटे ये हमारे ड्राइवर साहब
अब सब उजड़ी बेटा जी, पूरी ग्राम सभा है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्घोगोड़ से, बहुत बहुत धन्यवाद तुम बड़ा प्रोग्राम था। बाय 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 बाय। एक गोल गप्पा टिक्की आप लोगों ने खाना तो देखा, देवले शर्मा दे मदन दे लोग खाने चल देगा बार सब लोग। मेला देखा मैं दिखाऊँ तो पूरा प्रांगण भरियो जा। आज तीसरो दिन देखा हम निकलना था बटे, रात होया जो प्रोग्राम था तो हमारे लोग गायक किशन मेपाल जी और दुकान फुक्सा जी जिंदे का ही कम भी सब लोग देखा भीटों भी लोग घाम तो ना बड़ो तैयार हो चुके गोर सिंह घाटी में हम निकलना था रखना करें। आप लोग इन निकोड़ा थे डाला और ये स्वच्छ भारत मिशन में अग्रणी भूमिका निभा और पूरी स्कूटी लगी जिन। अरे देखो बाइक की दुकान से देखा मोमो चाउमीन वगैरह वगैरह आप लेनो एक मैं सकता। शुभ नाम है जी, कक बटे आप लोग लोकल गाँव नो क्या था घूमे बेटा सिंह भाई जी बड़ी कद आगा दो तीन दिन दुकान लगे जहाँ पे पिछली बार भीड़ था क्या भीड़ था पिछली बार साल ज्यादा थे पिछली बार ज्यादा थे ना अबर कम छोटे का जन भाई जी बुना सिंह देवले शर्मा दे बड़ा दुकान लगे जाऊँ घूमे बैठे की आप शुभ नाम भाई जी। अच्छा आप आपो गाँव भी खींचा अच्छा बुडोली बेटा चिंते का भैजी कभी उनको गाँव में जानवा अभी तो हम ब्लॉग बनोला अभी भी मंदिरों दिखाना है जो तो कन कन रिश्वत पिछले साल से यहाँ पर भीड़ कम थे ना हाँ मतलब उधर मतलब थोड़ा उधर नीचे जन भैजी बना दिन तो बड़े दुकान लगे जहाँ आप लोग चाउमीन मुँह खाए धन्यवाद। अंकल जी छिनी कमाबो सुबह सन बुडोली बेटा चिंते का अंकल जी तो कन कन लगन मेले में तो बढ़िया अच्छा आयोजन करूँ आप लोगों और जन मतलब एक लोग गायक बया छिन जो हमारा मुख्य अतिथि भी छिन तो आप जन भविष्य में आप लोग के देखना चाहना था कि मतलब और भी अच्छा कह सकता आप लोग रूप अच्छा विराट रूप में जन बोल तो कत का दिनों मेला होंगी वो अच्छा तीन दिन जी जी आप हो शुभ नाम अच्छा बूढ़ो लजी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े देखो बोल के आप हम लोग थोड़ा सा विराट रूप दयाल धन्यवाद जी। और गांव मेरा बुडोली है बुडोली बेटा आप और मैं 40 साल के बाद रिवर्स पलायन हुआ हुए और गांव मकान बनाया। मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय से अच्छा वित्त अधिकारी पद से रिटायरमेंट और आरएसएस का प्रचारक हूँ जी जी और उत्तराखंड राज्य निर्माण समिति का पदाधिकारी देवलेश्वर महादेव देखा बढ़िया देखा अभी प्रोग्राम बाकी जा कि हम लंबू जान तो शानदार लोकेशन डांडी कांठी को और हम निकलना अब हमारी गाड़ी खड़ी जा और अभी लोग आने लगे नहीं देखा मंदिर में तो हम निकलना अब घर तो बड़ी देखा भीड़ एकदम सब लोग देखा और गाड़ी आप लोग पौड़ी बड़े 12 किलोमीटर दूर है इसका गगोड़ सिंह घाटी में चले आया 22783 और हम आगे आप घर देखा जबरदस्त लोकेशन शाम को बिल्ली बेटा अब हम निकलना था ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कराई हूँ भाई बंधु को जो लोकल दुकानदारी कम चिन इतना बड़ो आयोजन लगा देखा समस्त क्षेत्रवाज समस्त जो कम आयोजन कार्यकर्ता छिन जो बड़ताल दी थोड़ा समय नहीं मिल के वो बिजी चना छिन चीफ गेस्ट छिन देखो हमारा जो लोग गायक भी मैं आशा आप देखी ये लोग तो ज़्यादा टाइम नहीं छो थोड़ा सी समय कम छोमे में मैं आपसे दिखाऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर लाइक करें वीडियो थे ऐतिहासिक मेला देवलेश्वर महादेव जो बतलों कोतिक हूँ गगोड़ सिंह घाटी बढ़े तो बाय बाय टेक केयर फिर मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक आप लोग आनंद लै पूरा ब्लॉग दिखें आप धन्यवाद।